Hello guys, welcome to my channel The Girly Fashion. If you are a short-heighted girl, so please don't worry about it because everybody is unique in their own way. But still, if you want some tips to look taller in any occasion or wedding, so I have 12 tips which can give you illusion of looking taller. So without any further delay, let's start the video. So हमारी टिप नंबर 1 है मोनोक्रोम आउटफिट. आप मोनोक्रोम आउटफिट्स ट्राई कर सकते हैं जिसमें टॉप एंड बॉटम दोनों में सेम कलर होते हैं. एक ही कलर की आउटफिट पहनने से बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता जिससे आपकी एक्चुअल हाइट दिखती है और आप थोड़े लंबे भी लगते हैं. पूरी सेम कलर की आउटफिट पहनना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो आप इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा या कोई भी स्टेटमेंट ज्वेलरी भी ऐड कर सकते हैं. इसके बाद हमारी टिप नंबर 2 है वर्टिकल स्ट्रिप्स. आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स वाली कुर्तीज या ड्रेसेस ट्राई करना चाहिए. अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाली ड्रेसेस पहनते हैं तो आप उसमें थोड़े हेल्दी एंड शॉर्ट लगेंगे, पर अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप्स वाली आउटफिट्स पहनते हैं तो आप उसमें थोड़े लंबे लगेंगे. आप कैजुअल वियर में इस टाइप्स की कुर्तीज ट्राई कर सकते हैं. अगर आप किसी वेडिंग या ओकेजन में जा रहे हैं तो आप इस टाइप्स की ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं. सिंपल वर्टिकल स्ट्रिप्स थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, तो आप फंक्शन के लिए वर्टिकल लेस वाली ड्रेसेस या वर्टिकल प्रिंट वाली ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं. टिप नंबर 3 है हाई वेस्ट बॉटम्स. आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी बॉटम में पहन रहे हैं, लहंगा, स्कर्ट, क्रॉप टॉप लहंगा या कोई भी अदर आउटफिट, आपको वो हाई वेस्ट पहननी है, क्योंकि लो वेस्ट बॉटम्स पहनने से आपकी जो एक्चुअल हाइट है वो भी कम लगती है. तो लो वेस्ट को अवॉइड करना होगा और हाई वेस्ट को प्रेफर करना है. सो हमारा टिप नंबर 4 है शॉर्ट बॉर्डर्स और नो बॉर्डर्स. अगर आप किसी फंक्शन या वेडिंग में जा रहे हैं तो आप जो भी आउटफिट्स पहन रहे हैं, लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा या कुछ और, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप नो बॉर्डर या शॉर्ट बॉर्डर वाली ड्रेसेस चूज़ करें. ज़्यादा हैवी बॉर्डर या ब्रॉड बॉर्डर वाली ड्रेसेस ना पहनें और आप स्मॉल प्रिंट्स को प्रेफर करें और बड़ी प्रिंट्स को अवॉइड करें. टिप नंबर 5 है आउटफिट्स विद लॉन्ग जैकेट. तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अगर आप लॉन्ग जैकेट वाली ड्रेसेस ट्राई करते हैं तो उसमें भी आप टॉल दिखेंगे, तो आप इस टाइप्स की क्रॉप टॉप विद जैकेट वाली ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं. इसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप है वी नेक लाइन. आप वी नेक लाइन वाली ड्रेसेस या ब्रॉड या ओपन शोल्डर वाली ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं. आपको पैक्ड नेक या हाई नेक वाली ड्रेसेस को अवॉइड करना होगा. वी नेक लाइन वाली ड्रेसेस भी आपको टॉलर लुक देने में हेल्प करती है. टिप नंबर 7 है ए लाइन कुर्ती और फ्लोवी कुर्ती. अगर आप कैजुअल वियर पहन रहे हैं तो आप इस टाइप की ए लाइन कुर्ती या फ्लोवी कुर्ती ट्राई कर सकते हैं, और आप किसी ओकेजन के लिए लॉन्ग अनारकली कुर्ती या लॉन्ग फ्लोवी कुर्ती भी ट्राई कर सकते हैं. टिप नंबर 8 वियर फिटिंग क्लॉथ्स. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फिटिंग क्लॉथ्स पहनते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो आपको लूज क्लॉथ्स को अवॉइड करना है और फिटेड क्लॉथ्स को ही पहनना है. इसके बाद टिप नंबर 9 है स्लिट कुर्तीज़. आप हाई स्लिट लॉन्ग कुर्तीज़ या फ्रंट स्लिट कुर्ती भी पहन सकते हैं. जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये भी एक आपके टॉलर होने का इल्यूजन क्रिएट करती है. सो टिप नंबर 10 है वियर सिगरेट पैंट्स. आपको ब्रॉड पैंट्स को अवॉइड करना चाहिए कुर्तीज़ के साथ. आप इस टाइप के सिगरेट पैंट्स या फिटेड पैंट्स पहन सकते हैं. यूजुअली ब्रॉड पैंट्स में हाइट कम लगती है, तो आप इस टाइप के सिगरेट पैंट्स को ट्राई कर सकते हैं. सो हमारी नेक्स्ट टिप टिप नंबर 11 है वियर थिन बेल्ट ड्रेसेस. आप चाहें तो इस टाइप्स के थिन बेल्ट वाली ड्रेसेस भी पहन सकते हैं. इस टाइप्स की ड्रेसेस भी आपको लंबा दिखने में हेल्प करती हैं. और हमारी लास्ट टिप है लॉन्ग स्लीव ड्रेसेस. लॉन्ग स्लीव वाली ड्रेसेस पहनने से आपके हाथ लंबे लगते हैं जिससे आपकी एक्चुअल हाइट भी लंबी लगती है, तो आप इस टाइप की लॉन्ग स्लीव्स वाली आउटफिट्स भी ट्राई कर सकते हैं. सो ये थी कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद व्हाट यू वियर. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो.